नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम पायोमित्रा ऐप के बारे में बताएंगे कि यह रियल है या फेक है, यूज करना चाहिए या ना यूज करना चाहिए आपको। क्योंकि हमने वीडियो बनाया था, दो वीडियो बनाए थे, उन पर कमेंट आया था और वो कमेंट कैसे आए थे चलिए हम आपको दिखाएंगे। और काफ़ी मैंने जो इस बार फ़ोन अपना नंबर भी टाइप कर दिया था थंबनेल पर, तो मेरे पास काफ़ी कॉल आए थे, तो हमें इसलिए ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। कुछ बंदों ने बोला भी है कि भाई वीडियो जल्दी बनाइए उसका, कि ये बिल्कुल रियल है या फेक है, तो उन्होंने क्या बोला है हम बताएंगे। और चलिए हम पहले वह वीडियो दिखाते हैं जिस पर कमेंट आए थे कि ये कैसा है, तो हम वीडियो को दिखाते हैं। तो YouTube पर आकर आप अगर पायोमित्रा सर्च करोगे तो उसके बाद यहाँ पर नीचे देखोगे, ये वीडियो हमने बनाकर अपलोड किया था और इस पर मेरा नंबर भी है, इसलिए इस पर काफ़ी कॉल आए थे बंदों के कि ये बिल्कुल मान लीजिए फेक है। चलिए न्यूज़ इस पर आ गई, हम तब तक वीडियो को स्किप करते हैं। अब मित्रों हम कमेंट दिखाते हैं और बताते हैं। तो मित्रों इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और जहां तक बने तहां तक ये मेरा यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें, इससे हम अर्निंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो मित्रों हम आप कमेंट दिखाते हैं। तो मित्रों आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा है सर मेरा बैलेंस अकाउंट कट गया है और वॉलेट में नहीं आया है, क्या हुआ जी। तो मैंने इनको रिप्लाई भी दिया था, इनका कॉल भी आया था, किसी बंदे का 10,000 फंसा है, किसी का 5,000, और ये बंदे हैं जो कॉल कर रहे हैं बता रहे हैं कि कस्टमर केयर इनका कोई सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि कमेंट तो कम ही आ रहे हैं, क्योंकि व्हाट्सएप पर मेरे पास काफ़ी आ रहे हैं मैसेज, क्योंकि बोल रहे हैं कि मेरा 10,000 फंसा है, कोई बोल रहा 5,000 फंस गया है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर लेके पछता रहा है, बता रहा है 4,000 का डिस्ट्रीब्यूटर लिया है मैंने और मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं। मान लीजिए अगर किसी बंदे को अगर रिटेलर आईडी भाई देता है, अगर उसका पैसा मान लीजिए 5,000 या 10,000 फंस जाता है अगर, तो किसको भाई पकड़ेगा भाई, तो डिस्ट्रीब्यूटर को रिटेलर पकड़ेगा क्योंकि उसने आईडी दी है। तो और बताया था कि इसमें कस्टमर जो केयर नंबर होते हैं, मैंने काफ़ी ट्राई किया तो वहाँ पर भी वो बोल रहे थे कि कोई हेल्प नहीं होती है, क्योंकि एक बंदे का तो 10,000 फंस गया था। तो वह बता रहा था क्योंकि मैं मित्रों इसका डिस्ट्रीब्यूटर लेने वाला था, तो मुझे ऐसा ही महसूस हुआ कि ये कंपनी मेरे को अच्छी नहीं लगी है, तो इसलिए मैंने इसका डिस्ट्रीब्यूटर नहीं लिया, क्योंकि उस समय 4,000 का डिस्ट्रीब्यूटर पड़ता था और बोल रहे थे कि आपको यानी वो मिलेगा जो होता है सैलरी मिलेगी 30 रिटेलर बनाओगे। तो मित्रों लालच बुरी बला है, इसलिए लालच में हम नहीं पड़ते हैं ज़्यादातर। तो आप देख सकते हो कहीं APS वर्क नहीं कर रही, कहीं बोल रहा है फ्रॉड हो रहा है, तो क्योंकि ये हमें कॉल करके बताए थे जो भी कि जो मान लीजिए जिसका पैसा फंस जाता है तो वो लगाता है फ़ोन हमारे ही पास, क्योंकि वो सोचता है कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हूँ इसका, तो मैं तो बोल देता हूँ भाई मैं इसका कुछ नहीं हूँ और आप सपोर्ट अपना सपोर्टर नंबर लगाइए। तो वो बोल रहे हैं कि काफ़ी ट्राई करने के बाद भी कोई कॉल उठा भी लेता है तो कोई यानी कोई हेल्प नहीं होती है इसमें, तो आप भी बता सकते हैं हेल्प होती है या नहीं होती है, क्योंकि मेरे को तो नहीं लगता इसमें होती होगी, नहीं तो बंदे कमेंट इतना नहीं करते और इतना मेरे को फ़ोन नहीं करते। तो आप जान सकते हैं कि ये कंपनी आपके लिए लाभदायक है या नहीं है, तो मेरा यही मतलब था। अब मान लीजिए इसका लोकेशन जयपुर का है, तो अगर मान लीजिए जयपुर का कोई फैक्स तो ऑफिस है नहीं इसका मेरे को लगता है, क्योंकि मैंने भी चेक किया था, तो आप जान सकते हो कि ले इसका यूज करें या ना करें वो आपकी मर्ज़ी है। मेरा मतलब यही था कि आपका पैसा मेरा पैसा कोई अलग नहीं है, किसी बंदे का पैसा ना फंसे और बैग कमा सके, जिसका 10,000 फंस जाएगा बताइए उसका धंधा चौपट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो चलिए
आज के वीडियो में इतना ही। अगर पायोमित्रा यूज करना चाहते हैं तो करिए या ना करिए, वो आपकी मर्जी है। मेरा तो यही मतलब था बताने का, क्योंकि बंदों ने बोला था कि भाई वीडियो बनाइए, नहीं तो कई और भी बंदे फंस जाएंगे, तो इसलिए मैंने बनाया है। तो वीडियो को स्किप करते हैं, आप भी बताएं आपका इसमें पैसा फंसा है या नहीं फंसा है, ठीक है या नहीं है, तो वो बता सकते।